हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 247 चैनल के अंदर। जैसा कि हम लोग जो है पीएनबी की सीरीज़ कर रहे हैं, पीएनबी जो आईटी ऑफिसर है आपका, उसकी एग्ज़ाम के हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के नेक्स्ट सीरीज़ में आपके लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के फिर आया हूँ आपके साथ। माई सेल्फ सुरेंद्र सोलंकी, और जितने भी बच्चे जो आपके पीएनबी की तैयारी कर रहे हैं आईटी ऑफिसर की, ठीक है, तो वो सारे के सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से ध्यान से ज़रा इस सेशन को देखिएगा, ठीक है। और जो भी अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा, जिससे कि और भी लोग इसको देख सकें। तो जैसे हम लोग बताया गया सर कि पीएनबी का पेपर आपका बहुत नज़दीक है, 24 मार्च को इसका पेपर है आपका, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग जो है एक बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपका आज से शुरू हो जाएगा, 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसकी टाइमिंग 7 to 9 है, और साथ ही साथ हम जो है आपके लिए जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हम लोग, मैंने लास्ट जो क्लास की थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उससे मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सभी लोग देखिएगा, और जो भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर उसके ऊपर कमेंट करिएगा। तो दिखाइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाइएगा। क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अ मैसेज इज सेंट आउट ऑन द नेटवर्क एंड इज डिस्टाइंड फॉर अ ग्रुप ऑफ सिस्टम्स, राइट। यानी कि सर, जब आप कोई भी मैसेज कर रहे हैं किसी भी एक ग्रुप के अंदर, जिसके लिए आपका डेस्टिनेशन जो है आपके नंबर ऑफ पीपल्स हैं, तो उस टाइम पर वो आपका यूनिकास्ट होगा या मल्टीकास्ट होगा या फिर ब्रॉडकास्ट होगा या फिर बोथ, यानी कि बी एंड सी होगा या फिर सेमी कास्ट होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और राइट आंसर जो है हमारा इस क्वेश्चन में फटाफट से अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए। तो देखो, यूनिकास्ट क्या होता है आपका भाई, 1-to-1 कम्युनिकेशन, ठीक है। 1-to-1 मतलब अगर आप कोई भी मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं तो वो केवल उसी पर्सन को या उसी डेस्टिनेशन को जाएगा जिसको आपने भेजा है, सबको नहीं जाएगा, ये होता है यूनिकास्ट। लेकिन जब भी आप कभी भी किसी भी ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि 1-to-many अगर डेटा सेंड करते हैं आप, तो वहाँ पर आपका डेटा सेंड जब होता है तो वो 1-to-many यानी कि मल्टीकास्ट में होता है, उसे हम कहते हैं मल्टीकास्ट करना, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट की बात इसमें आई नहीं हमारी, क्योंकि सर ब्रॉडकास्ट होता है 1-to-all, मतलब जब भी हम लोग कोई भी डेटा, ठीक है, मेरा एक पर्सन है, ठीक है, आपका ये मान लो मेरा एक डेस्टिनेशन सोर्स है, और ये इसके पास मल्टीपल डेस्टिनेशन है, राइट। अब जैसे मैंने अगर किसी इसको एक को ही भेजा तो क्या हो गया, वो यूनिकास्ट, ठीक है। अगर मैंने किसी एक को भेजा है तो क्या हो रहा है, वो आपका यूनिकास्ट हो रहा है। लेकिन मैंने दो को भेजा, इन दो को, ए और बी, ठीक है, इन दो को भेजा केवल बस, लेकिन सबको नहीं भेजा, ठीक है, इसमें हमारे और भी थे, तो सर ये क्या हुआ हमारा, मल्टीकास्ट, राइट, जो हमारा आंसर है मल्टीकास्ट का, ठीक। और अगर मैं सबको भेज देता पूरा अगर होता हमारा, तो क्या हो जाता है, ये हमारा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजेक्शन स्टेट इन डीबीएमएस, यानी कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो ट्रांजेक्शन में यूज नहीं होती है। पहला है एक्टिव, दूसरा अबॉर्टेड, तीसरा है कमिटेड, नेक्स्ट है आपका फेल्ड, और लास्ट ऑप्शन है आपका टर्मिनेटेड, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन को देखें हम लोग, तो सर डीबीएमएस के डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है, और इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर बनने जा रहा है वो है आपका ई, ऑप्शन ई, यानी कि टर्मिनेटेड इज द राइट आंसर फॉर दिस स्टेट, बिकॉज आपकी एक्टिव भी होती है, अवॉर्डेड भी होती है, कमिटेड होती है, फिल्ड होती है, लेकिन टर्मिनेटेड नहीं होता है आपका स्टेट कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर, किसमें, डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, कि समवन हु ब्रेक इनटू द टेलीफोन नेटवर्क इलीगली, टिपिकली टू मेक फ्री कॉल डिस्टेंस फोन कॉल और टू टे फोन लाइन्स, यानी कि सर अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपकी फोन लाइन यानी टेलीफोन लाइन को इस तरह से इलीगली हैक करके और उसको अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करना चाहता है, तो ऐसे हैकर्स को या ऐसे टर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है, फ्रीकर या फिर हैकर या फिर आपका
क्रैकर या स्पूफिंग या फिर हैक विजिट विस्ट। तो क्या होगा सर इसका आंसर, अगर देखें हम लोग, ए होगा या बी होगा या फिर सी आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा, ठीक है, या फिर ई आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें सर हम लोग, तो हमारा राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए लगाइएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सबका सर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक आर अ सीरीज ऑफ माइनर डेटा सिक्योरिटी अटैक्स दैट टुगेदर रिजल्ट इन लार्जर अटैक। मतलब कहने का सर ये हो गया, इनमें से कौन सी सिक्योरिटी होती है सर जो आफ्टर सम टाइम, पहले वो छोटे अटैक होते हैं लेकिन बाद में वो एक बड़ा अटैक आपका अटैक बन जाता है आपकी सिक्योरिटी को लेकर के। तो डेटा रिडलिंग हो अटैक होगा या फिर ट्रस्ट रिलेशनशिप अटैक्स होंगे या फिर आपका सालमी अटैक्स या फिर मैन इन द मिडल अटैक्स या फिर सेशन हाईजैक अटैक्स। तो जस्ट सोचिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन का जो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए या बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए या फिर ई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन के आने के। ठीक है, कोई सिक्योरिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं सर क्योंकि देखो आज के डेट में क्वेश्चन जो मोस्टली आ रहे हैं, भाई आप जो भी आईटी ऑफिसर बनते हो सर, तो एक टेक्निकल आप ऑफिसर रैंक पर जा रहे हो और वहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है हमारे लिए वो एक सिक्योरिटी का। ठीक है, भले ही वो आपका डेटाबेस की सिक्योरिटी हो या आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी हो, ठीक है, या फिर आप जो भी आप वहाँ पर बैठे हैं या काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सिक्योरिटी वाला जो मेन पॉइंट होता है उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज प्रैक्टिकली क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को बहुत पूछा जा रहा है आज के डेट में। तो आपको उस पर ध्यान देना है, भले ही वो टर्म आपका क्रिप्टोग्राफी का हो, भले ही वो टर्म आपका किसी तरीके से साइबर अटैक का हो, ठीक है, और भले ही वो आपके लिए डेटाबेस के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, 29 का आंसर क्या होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। जैसा क्वेश्चन समझो, विच ऑपरेटर यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो सर राइट आंसर हमारा क्या होगा ज्वाइन, सेकेंड आंसर होगा हमारा हैविंग, तीसरा ऑप्शन है आपका यूनियन, चौथा है आपका कंबाइन और फोर्थ है आपका यूनिक। तो फटाफट से इसका राइट आंसर देखिए क्या होना चाहिए, ए या बी या फिर सी या फिर डी या फिर ई यूनिक। तो इसमें हम देखें अगर राइट आंसर हमारा क्या निकल जाएगा सी, ऑप्शन सी यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट एन टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा ऑपरेटर होगा यूनियन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, व्हाट इज द एक्सएसएस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब सर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमने मोस्टली जो पढ़ते हैं वो हम लोग PaaS पढ़ते हैं या फिर सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज SaaS पढ़ते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पर बात हो रही है सर आपका अगर देखा जाए तो XaaS। तो सर यहाँ पर इसका राइट आंसर एनीथिंग इज अ सर्विसेस या फिर एग्जाम्पल एज अ सर्विस या फिर एक्सप्लोर एज अ सर्विस या फिर आपके एक्सप्लोर एज अ सिस्टम। एक्चुअली में क्लाउड कंप्यूटिंग जब भी हम बात करते हैं तो थ्री स्टैक्स आपके आंख के निकल के आते हैं, जैसे बताया आपको मैंने, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा ए, एनीथिंग एज अ सर्विस इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक्स कमांड इज यूज टू रिमूव और डिलीट फाइल्स, यानी कि विच कमांड, कौन सी कमांड का आप यूज जो करते हैं वो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए करते हैं, राइट नहीं है सॉरी फाइल है आपकी, इसके अंदर फाइल को डिलीट करना है। तो RM है, MV है या फिर CP है या फिर LPR है या फिर मैन है। तो सर रिमूव आपका जो होगा वो यूज होता है, यानी RM इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर फेल्स देन व्हाट टाइप ऑफ फेलियर अक्योर इन ओरेकल डेटाबेस। मतलब कहने का यह हुआ कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी आपका हार्ड आपका व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर फेल, दैन दोनों में से आपका हार्डवेयर या आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम फेल होता है देन व्हाट टाइप ऑफ फेलियर अक्यूर इन ओरेकल डेटाबेस. तो सर एप्लीकेशन फेलियर आएगा या फिर इंस्टेंस फेलियर आएगा या मीडिया फेलियर या रोल बैक फेलियर या नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन ए आंसर होगा या बी या सी, फटाफट से देखिए और सोचिए. तो इसका राइट आंसर हमारा होने आपका होगा बी, इंस्टेंस फेलियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन अ वेरिएबल विद सी प्रोग्राम. मतलब किस ऑपरेटर का या कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग रोकने के लिए एनी चेंजेस ऑफ द वेरिएबल. तो सर आपका इम्यूटेबल या फिर म्यूटेबल या फिर कॉन्स्टेंट या फिर वोलेटाइल या डबल. तो सर कॉन्स्ट यानी कि कॉन्स्टेंट इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा. आपके कॉन्स्ट जो आपका कीवर्ड है इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल में चेंज होने से. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन है सर आपका व्हाट इज द सी इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओरेकल 12c. देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं लेकिन अगर आपको थोड़ी सी लेटेस्ट नॉलेज आपके पास है, करंट नॉलेज जिसे कह सकते हैं आप, तो ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो. पहले ऑप्शन है आपका इसमें कमांड, दूसरा है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, तीसरा है इसके अंदर आपका कैरेक्टर, चौथा है आपका चेंजेस और पाँचवा ऑप्शन है आपके लिए कॉमन. बताइए सर राइट आंसर क्या होगा आपके लिए, फटाफट से आंसर दीजिएगा. तो सही होगा हमारे लिए यहाँ पर बी, ऑप्शन बी इज क्लाउड कंप्यूटिंग. यानी कि ओरेकल 12c जो आया है उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स को ऐड करते हुए उसको और मॉडिफाई करते हुए यूजर्स के लिए आसानी से उसको एक्सेस किया जा सके और वर्चुअलाइज बेसिस पर भी इसको हम यूज़ कर सकें, कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉलोज इफ रिलेशन इज इन फर्स्ट NF. यानी कि नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है. डेटाबेस के अंदर जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट NF, सेकेंड NF, थर्ड NF कई तरह की आपकी नॉर्मलाइजेशन होती हैं. उसमें पूछा गया है कि सर आपका जो कंडीशन है वो आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग इफ रिलेशन इज फर्स्ट NF. तो सर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये ऑप्शन सही है, या फिर देयर आर नो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन. बिल्कुल सही ऑप्शन है ये. तो नेक्स्ट है आपका देयर आर ओनली अ फ्यू कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, नो, एंड ऑल एट्रीब्यूट्स आर ऑफ यूनिफॉर्म टाइप, नो. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका अ डेटाबेस मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग. वेरी गुड. ऑप्शन ए है डेटा एंड डेटा रिलेशनशिप, ऑप्शन बी है डेटा एंड सिमेट्रिक एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, ऑप्शन सी है डेटा डेटा रिलेशनशिप डेटा सिमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, और ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी. तो सर यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है. क्वेश्चन ये है कि सर कॉन्सेप्चुअल टूल्स डिस्क्राइब करने वाले देखा जाए सर तो उसके लिए डेटा एंड डेटा रिलेशनशिप एंड डेटा सिमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा. ये भी क्वेश्चन आपका लिया गया है IBPS से. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर. इन विच डेटा बेस मॉडल ऑफ द रूल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन कैन अप्लाई. ठीक है, तो सर नेटवर्क मॉडल पूछा गया है, किस मॉडल की बात कर रहा है. नेटवर्क मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, रिलेशन मॉडल है, और डॉक्यूमेंट मॉडल है, और कॉन्स्टेंट मॉडल है आपका. तो राइट आंसर यहाँ पे हम देखें आप लोग तो सर नॉर्मलाइजेशन कैन अप्लाई, तो सर आपका रिलेशन मॉडल वहीं पर आपका जब मल्टीपल टेबल्स के बीच में डेटा स्टोर किया जाता है और एक प्लेस से आप बड़ी आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन जो होता है उससे जो डुप्लीकेसी है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, जिसको आप यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट टिक कर सकते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ. क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस वेटिंग इन अ क्यू फॉर द CPU एलोकेशन. तो सर किस के थ्रू आप लोग
उसको इम्प्रूव कर सकते हैं प्रायोरिटी को, तो सर एजिंग है, स्टार्वेशन है, रिवोकेशन है, रिलोकेशन है, या फिर नन ऑफ दिस? तो सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, राइट? और ऑप्शन इसका आंसर होगा ए या बी या सी या डी या फिर ई. तो सर इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, एजिंग. ठीक है, दैट इज यूज टू इम्प्रूविंग द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस जो वेटिंग में आपके होते हैं जब आप सीपीयू पे काम करते हो. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइक्लिक मॉडल, यानी कि सर इसमें से कौन सा मॉडल लाइफ साइकिल में आपका नहीं आता? तो सर आपका वाटरफॉल मॉडल है, या फिर स्पाइरल मॉडल है, या फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, या फिर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, या फिर वी मॉडल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, मैं समझता हूँ सर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. जैसा आपको बताया मैंने सर, आपका कोई भी अगर डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन है आपका सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सबमिशन एंड कंपटीशन फॉर जॉब? वेटिंग टाइम होगा, या टर्न अराउंड टाइम होगा, या थ्रोपुट, या रेस्पॉन्स टाइम? तो सर इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी, टर्न अराउंड टाइम. ठीक है, उसको हम लोग जब भी आप कोई प्रोसेस को, आपके जो इंटरवल होता है सबमिशन एंड कंप्लीशन के बीच का, उसे हम क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर. एक्सेप्टेंस टेस्ट आर नॉर्मली कंडक्टेड बाई द डेवलपर्स, एंड यूजर्स, टेस्ट टीम, या फिर सिस्टम इंजीनियर्स, या फिर नन ऑफ दीज? तो सर ध्यान रखिएगा, आपका जितने भी एसएम टेस्ट होते हैं वो हमेशा हमारे एंड यूज़र, जो भी हमारा कस्टमर हो सकता है, या फिर जो एंड यूज़र है जिसे यूज़ करना है, वहाँ पे इसका कंडक्ट किया जाता है. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन सी इज यूज टू एक्सप्लिसिटली टू कन्वर्ट द वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर? तो बिटवाइज, या फिर कास्ट, या फिर लॉजिकल, या फिर अर्थमेटिक, या फिर कोमा? तो सर इसका राइट आंसर हमारा होगा बी, कास्ट. ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ. व्हाट इज ओएलटीपी? तो सर ओएलटीपी यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन अगर देखें हम लोग इसमें, तो कौन सा मिल रहा है हमारा? ऑपरेटिंग लिमिट ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग नहीं होगा, ऑपरेशन लाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, हाँ सी मिल गया हमें. राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी. ठीक है, जब आप लोग डेटाबेस में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, वहाँ पर आपका ओएलटीपी इस प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है सर किसी प्रोसेस की? बिट है, या थ्रेड है, या फिर थ्रेसिंग है, या फिर डेटा, या बाइट? तो सर राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, या हम कह सकते हैं अ बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. क्वेश्चन है, इन द इथरनेट नेटवर्क व्हाट मेथड इज यूज टू एक्सेस द मीडिया? तो सर डिमांड प्रायोरिटी, या CSMA/CD, या पोलिंग, या फिर CSMA/CA? तो सर ध्यान रखना, इथरनेट नेटवर्क के अंदर जब भी आपके शेयर्ड मीडिया या फिर मीडियम की बात आती है, तो सर हमारा कैरियर साइंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश कॉलिजन डिटेक्शन का यूज़ होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा. अगर आपका वायरलेस नेटवर्क होता तो हम लोग उसको CSMA/CA में ले जाते. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ. लॉजिकल लिंक कंट्रोल इज अ सब लेयर ऑफ विच लेयर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका. लॉजिकल और एक मैक, ये दो सब लेयर होती हैं आपकी किसी एक लेयर की में से. तो पूछा गया है कि LLC जो है वो किस लेयर की सब लेयर है? तो नेटवर्क लेयर की है, या डेटा लिंक लेयर की है, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की है, या फिर प्रेजेंटेशन लेयर की है, या फिर नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी, डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर होती हैं, LLC और मैक. मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है, और LLC जो होती है वो अपर लेयर के प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करती है. वो हो सकता है आपका IP एड्रेस हो सकता है आपका IPX हो, जो भी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम और रिटर्न इन मेमोरी. तो सब रजिस्टर कौन से होते हैं आपके? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं, या मेमोरी बफर रजिस्टर होते हैं, या प्रोग्राम काउंटर, या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं, या फिर नन ऑफ दीस. क्या आंसर आना चाहिए? थिंक एंड जस्ट थिंक और बताओ फटाफट से क्या आंसर हो सकता है इसका. तो सर इसमें आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, मेमोरी बफर रजिस्टर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीएचपी कोड एडिटर. इसमें से पीएचपी का कोड एडिटर कौन सा है? तो नोटपैड होगा, या फिर नोटपैड प्लस प्लस होगा, या फिर एडोब ड्रीमव्यूअर होगा, या फिर डीटीबी होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस मेंशनड, या फिर सारे होंगे. तो सर यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस मेंशनड, सारे के सारे आपके पीएचपी कोड के एडिटर होते हैं. आप यहाँ पे अपनी एडिटिंग कर सकते हैं. ठीक है सर, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, जिसको आप लोग अपने ध्यान से देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और जो इनके और अदर ऑप्शन हैं उन पर भी आप लोग देख सकते हैं, उन पर काम कर सकते हो. राइट, और फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मेरे को मेल कर सकते हैं. ठीक है, मेरी मेल आईडी है आपकी surendra.solanki@adda247.com. ठीक है, surendra.solanki@adda247.com. इस पर आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हो, तो आपके मेल का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा आपको. ठीक है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मिल सके. और सर आपके ये पास जो अपॉर्चुनिटी है आईटी ऑफिसर की, वो आपको ज़रूर उसमें आप सिलेक्ट हो. ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर. जय हिंद.